हेलो एंड वेलकम टू एवरीसी है, मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ डीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रस्थ अथवा अक्षीय स्थिति में दूर ध्रुव के कारण विभव। इसका डेरिवेशन करेंगे। चैप्टर का नाम है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, गॉस का नियम, विद्युत विभव तथा धारिता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें अनुप्रस्थ अथवा अक्षीय स्थिति में दूर ध्रुव के कारण विभव क्या होगा। इससे पहले अक्षीय स्थिति में दूर ध्रुव के कारण विभव क्या होता है इसको हम पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति में देखते हैं, सबसे पहले दूर ध्रुव का नाम ये मान लीजिए पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस और डिस्टेंस टू ए है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी थी और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी थी। अब मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट बी है जिससे ध्रुव पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये होगा इसका लंबा अर्थ कुछ इस टाइप को, ये और इस पॉइंट बी की पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, पॉइंट बी की पॉइंट ए पॉइंट बी से डिस्टेंस इक्वल होगी। सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे और जितनी डिस्टेंस ए की होगी बी से ए की इक्वल होगा तो बी इक्वल टू बी की नॉर्मल डिस्टेंस है, पॉइंट बी से पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस है। तो अगर ए भी निकाले बाई प्रोडक्ट करने से ये पॉइंट हो गया तो स्क्वायर ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओ पी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी, सॉरी यहाँ का ओ पी का स्क्वायर। ओ पी आर दिया हुआ है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए बी निकल जा रहा है यहाँ से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए बी इक्वल टू बी बी है, ये दोनों इक्वल होंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस भी होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाली डिस्टेंस भी होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है E इक्वल टू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर, ये होता है ये ऊपर चुके। तो यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट बी पर विद्युत प्रवाह निकालेंगे, फिर यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत पर विद्युत प्रवाह निकालेंगे। तो यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु 2 पर आया होगा, इस अपर लक्ष्य स्थिति में दो ग्रुप के कारण विद्युत प्रभाव क्या होगा।